हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये जो चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वंशांगति के आणविक आधार है, उसकी सभी वीडियो आपने देख ली होगी। इन वीडियो को देखने के बाद में एनसीईआरटी की बुक के जो पीछे क्वेश्चंस दे रखे हैं वो अनसोल्व्ड है, तो उसको अपने यहाँ पर सोल्व किया है और उसको अभी समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखें, ये क्वेश्चन नंबर वन, आप ये जो कर्सर है उसके पे फोकस करेंगे जहाँ भी मुझे समझाना होगा। ये क्वेश्चन नंबर वन में दे रखा है, ग्रुप द फॉलोइंग एज द नाइट्रोजिनस बेसिस एंड द न्यूक्लियोटाइड्स। यहाँ पर ये क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है कि आपके साथ में दिया हुआ है एडिनिन, साइटिडिन, थाइमिन, गुआनोसिन, यूरासिल एंड द साइटोसिन। इनमें से कौन से ऐसे हैं जो नाइट्रोजन बेस हैं, यानी कि नाइट्रोजन क्षार है, और कौन से वो हैं जो कि न्यूक्लियोसाइड होता है। ये आपने पहले से हमारी वीडियो में पढ़ रखा है कि न्यूक्लियोसाइड किससे बना होता है। एक पेंटोज शुगर के साथ में जब नाइट्रोजन बेस जुड़ता है तो उसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन न्यूक्लियोसाइड। तो आपको इसमें से फिल्टर करना है, चूज करना है कौन से नाइट्रोजिनस बेस है और कौन से न्यूक्लियोसाइड है। तो यहां पर आपने आंसर के अंदर लिखा हुआ है ब्लैक में, नाइट्रोजिनस बेस एडिनिन, थायमिन, यूरेसिन और साइटोसिन, ये चार होते हैं। और न्यूक्लियोसाइड कौन से हैं इसमें, साइटिडिन और गुआनोसिन है। क्वेश्चन नंबर टू, इफ ए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हैज द 20% ऑफ साइटोसिन देन कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एडेनिन इन द डीएनए मॉलिक्यूल। यहां पे आप बिल्कुल क्लियरली से देखिए क्या कह रहे हैं कि डीएनए में कितना है साइटोसिन, 20% है। ध्यान से सुनिएगा, हमने कहा कि डीएनए में साइटोसिन है 20% और डीएनए में जितने साइटोसिन होते हैं उतने गुआनोसिन होते हैं, क्योंकि सी और जी के साथ जुड़ता है, या कहते हैं जी सी के साथ जुड़ता है। साइटोसिन 20% है तो गुआनोसिन भी कितना होगा, 20% होगा। दोनों को मिला दें तो कितना हो गया, 20 + 20 40% हो गया। जब 40% हो गया सी और जी, इसका मतलब ए टी कितना बचा, 60%, तो उसका आधा ए होगा आधा टी होगा। तो हम ये कहेंगे एडिनिन कितना है इसके अंदर, एडिनिन है 30%, थाइमिन भी कितना होगा 30%, ऐसा लॉजिकल सोचेंगे। क्वेश्चन नंबर थ्री, इफ द सीक्वेंस ऑफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज रिटन एज फॉलो। ये एक सीक्वेंस दे रखी है 5n³ दिस सीक्वेंस इज प्रेजेंट ऑन द वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल। राइट डाउन द सीक्वेंस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड इन द 5 × 3 डायरेक्शन। आपको बताना है कि ये जो डीएनए का जो स्ट्रैंड है इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा। अब कॉम्प्लीमेंट्री हमें पता है, अगर एडिनिन है तो दूसरे स्ट्रैंड पे थाइमिन होगा, थाइमिन है तो एडिनिन होगा, ग्वानिन है तो साइटोसिन होगा, साइटोसिन है तो ग्वानिन होगा। सिंपल सी बात, ए इन प्लेस ऑफ टी, जी इन प्लेस ऑफ द सी एंड वाइस वर्सा। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है सीक्वेंस को 5 से 3 डायरेक्शन में लिखना है। और यहां पे क्वेश्चन में कौन सी सीक्वेंस दे रखी है, क्वेश्चन में सीक्वेंस जो दे रखी है वो दे रखी है 5 से 3, तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा 3 से 5, ये जो मैंने बना रखा है, तो इसको हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सीक्वेंस ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड इन ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज रिटन एज फॉलो। ये हमने दे रखा है इसमें कोडिंग सीक्वेंस के बारे में, तो हमें सीक्वेंस बतानी है एमआरएनए के बारे में। मेरा कहने का मतलब यह है, जब आप इन क्वेश्चंस को करते हैं, मैं यहां पर आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं, और जहां भी आपको सॉल्यूशंस में प्रॉब्लम आती है उस पर्टिकुलर जो वीडियो होगी उसको आपको दोबारा देखेंगे तो आपसे ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर सारी वीडियो आपने क्लियरली आपने अगर उसको समझा है तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आपसे सॉल्व नहीं होगा। और अगर आप कहीं सी क्वेश्चन में पर्टिकुलर प्रॉब्लम आती है तो उससे रिलेटेड वीडियो देंगे तो उसका सॉल्यूशन निकल जाएगा। इसी तरीके से मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस की और बात कर रहा हूँ, कंप्लीट इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिया है। जैसे हमने कहा, डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल नेचर ऑफ द टेम्पलेट डीएनए आरएनए एंड द नेचर ऑफ द न्यूक्लिक एसिड सिंथेसाइज फ्रॉम इट डीएनए और आरएनए लिस्ट द टाइप ऑफ द न्यूक्लिक एसिड पॉलीमरेज। हमने क्या लिखा है कि न्यूक्लिक पॉलीमरेज आर एज फॉलो, डीएनए पॉलीमरेज, यानी कि डीएनए पॉलीमरेज क्या काम आता है, रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल करता है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या काम करता है, ट्रांसक्रिप्शन, एंड व्हाट इज द मीन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, दैट इज द आरएनए सिंथेसिस। आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज क्या है, ये ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है इन सम वायरसेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या होता है, नाम खुद बता रहा है, विच कैटलाइज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, एंड व्हाट इज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मीन्स द सिंथेसिस ऑफ डीएनए ओवर द आरएनए टेम्पलेट। इसी तरीके से आप इन सभी क्वेश्चंस को आराम से देखते हुए जाएंगे। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग द रिपीटेटिव डीएनए एंड द सैटेलाइट डीएनए, एमआरएनए एंड द टीआरएनए, टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड द कोडिंग स्ट्रैंड। ऑल आंसर इज द रिटन इन दिस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। द रिपीटेटिव डीएनए, रिपीटेशन द डीएनए, द पार्ट ऑफ द डीएनए विद ए स्मॉल स्ट्रेच
ऑफ इज रिपीटेड मेनी टाइम, मतलब इस डीएनए के अंदर एक पर्टिकुलर सा स्ट्रेच है, एक स्मॉल पार्ट है जिसमें क्या होगा न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस जो बार बार रिपीटेड होती है, इसीलिए नाम रखा गया रिपीटेड डीएनए। द सेगमेंट ऑफ द 5 to 10 न्यूक्लियोटाइड, 5 से 10 न्यूक्लियोटाइड की एक पर्टिकुलर सेगमेंट मिलेगा जो बार बार रिपीटेशन होगा इन द डीएनए। रिपीटेटिव डीएनए कैन बी सेपरेटेड बाय द, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि रिपीटेड डीएनए को आप कैसे सेपरेट कर सकते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे डेंसिटी ग्रेडियंट है सेंट्रीफ्यूगेशन। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या, इट इज एन इवोल्यूशनरी डिवाइस विच कैन कैटलाइज द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू जीन, ये इसकी इंपॉर्टेंस हो गई। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाट इज द सैटेलाइट डीएनए, देन यू कैन से इट इज द पार्ट ऑफ द डीएनए विद थाउजेंड्स ऑफ द हाईली रिपीटेड यूनिट्स ऑफ द साइज 5 to 10 न्यूक्लियोसाइट। तो ये पूरा क्लियरली लिखा हुआ है सैटेलाइट डीएनए क्या है, इट इज द पार्ट ऑफ द डीएनए, ये डीएनए का एक ऐसा पार्ट होता है, खंड होता है, विद थाउजेंड्स ऑफ हाईली रिपीटेटिव यूनिट्स, इसमें 5 से 10 न्यूक्लियोटाइड की क्या होगी रिपीटेड सीक्वेंस होगी जो बार बार आएगी। इट्स डेंसिटी इज वेरी हाई, इसका क्या होगा डेंसिटी यानी घनत्व ज्यादा होता है, इसीलिए इनका सेपरेशन हम कैसे करते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन से कर लेते हैं। कितने टाइप के होते हैं सैटेलाइट, तो हमने कहा माइक्रो सैटेलाइट होता है और मिनी सैटेलाइट होता है। माइक्रो सैटेलाइट क्या होता है, ये डीएनए के मोटिफ होते हैं जिनका साइज होता है 1 से 6 बेस पेयर होता है और रिपीटेशन होता है 5 to 10 टाइम्स। और मिनी सैटेलाइट क्या है, मिनी का मतलब ये छोटा होता है, इसमें जो साइज होता है 10 से 60 बेस पेयर होता है। बेस पेयर क्या होता है ये सभी हमने पूरा डिटेल में बता रखा है, साइड के अंदर आप डायग्राम में देखेंगे तो बता रखा है। क्रोमोसोम से सेंटर में क्या है, ये वाला जहाँ पर कर्सर आप देख रहे हैं ये सेंट्रोमियर है, इसमें सैटेलाइट डीएनए होता है और इसके ऊपर की ये ब्लू बैंड्स बना है ये रिपीटेटिव डीएनए। और सबसे एंड पर क्या टीलोमियर है, तो इसमें भी क्या होते हैं सैटेलाइट डीएनए। तो हमने सैटेलाइट डीएनए कहाँ है, एक तो टीलोमियर में, उसके अलावा सेंट्रोमियर में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 बता रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमआरएनए टीआरएनए आरआरएनए। जैसा कि इसका नाम बता रहा है, एम इज मैसेंजर आरएनए विच कैरी द इंफॉर्मेशन द मैसेज विच कैरी द मैसेजेस फ्रॉम द डीएनए टू द आरएनए। वी कैन से इट ट्रांसफर द जेनेटिकल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द न्यूक्लियोप्लाज्म टू द सेंट्रल प्लाज्म हो गया। टी आर एन ए इज द ट्रांसफर आर एन ए विच कैन ट्रांसफर द एमाइनो एसिड ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन प्रोसेस एंड आर आर एन ए मीन्स द राइबोसोमल आर आर एन ए। ये राइबोसोम का कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट होता है, संगठक पार्ट होता है। तो आप इन सभी पॉइंट्स को आराम से पढ़ेंगे और इसको नोट कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्लियरली, और सभी चीज़ों को वीडियो में फुल्ली एक्सप्लेन कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 जो एनसीईआरटी का बुक के अंदर जो देर के अनसोल्ड है, जिसका यहाँ पर सॉल्यूशन दिया जा रहा है कि टेम्पलेट स्टैंड क्या होता है और कोडिंग स्टैंड क्या होता है। बड़ी सिंपल सा बात है, टेम्पलेट स्टैंड पहले इसको पढ़ के देखिए। द स्टैंड ऑफ द डीएनए टेकिंग पार्ट इन द ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि डीएनए के दो स्टैंड है, दो स्टैंड में से आपने वीडियो में पढ़ा हुआ है, एक स्टैंड के ऊपर आरएनए का सिंथेसिस होता है, जिस डीएनए के स्टैंड पर आरएनए बनता है उसे बोलते हैं टेम्पलेट स्टैंड, और उसका जो अपोजिट स्टैंड है उसको हम बोलते हैं कोडिंग स्टैंड है। आप इसकी डिटेल को आराम से पढ़ के नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लिस्ट 2 एसेंशियल रोल्स ऑफ द राइबोसोम ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन। राइबोसोम का क्या काम होता है, राइबोसोम को हम प्रोटीन मशीनरी कहते हैं कोशिका की, क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस में डायरेक्ट पार्टिसिपेट करता है। ये प्रोवाइड अटैचमेंट साइट फॉर द एमआरएनए टीआरएनए, मतलब राइबोसोम वो जगह है जहां पर टीआरएनए और एमआरएनए आपस में जुड़ सकते हैं, है ना। इट कॉन्स्टिट्यूट आरआरएनए, इसमें आरआरएनए होता है, राइबोसोमल आरआरएनए होता है, जो किसका काम करता है, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेंस एंजाइम का काम करता है। ये क्या काम करता है एंजाइम, हमने कहा पेप्टाइड बॉन्ड का सिंथेसिस करता है। हर छोटे पॉइंट से नीट का जब एग्जाम देंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल सकते हैं, इसलिए इसको डायरेक्ट आप रटने की कोशिश न करें कि ये क्वेश्चन इसका आंसर रट लें, इसमें से हर पॉइंट से छोटे छोटे क्वेश्चन निकलेंगे, ऑब्जेक्टिव्स निकलते जाएंगे। 10 नंबर में रखा, इन द मीडियम वेयर द ई कोलाई वाज ग्रोइंग, एक ऐसा माध्यम है जिसमें ई कोलाई बैक्टीरिया को कल्चर कर रहे हैं, संवर्धन कर रहे हैं। लैक्टोज वाज एडेड, अगर उसमें आपने लैक्टोज शर्करा को डाल दिया है, लैक्टोज को डाल दिया है, विच इंड्यूस द लैक ऑपेरॉन। अंडरस्टूड बात है, हमने लैक ऑपेरॉन के वीडियो में पढ़ा हुआ है कि अगर किसी माध्यम में लैक्टोज प्रेजेंट है तो ये बैक्टीरिया बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाता है, और अगर लैक्टोज नहीं है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का सिंथेसिस नहीं होता। देन वाई डज लैक ऑपेरॉन शट डाउन सम टाइम्स आफ्टर द एडिशन ऑफ द लैक्टोज इन द मीडियम। सिंपल सी बात है, क्या लिखा, इट इज कॉल्ड एन इंड्यूसिबल ऑपेरॉन, इसको इंड्यूसिबल ऑपेरॉन कहते हैं, इंड्यूस करने वाला प्रेरक ऑपेरॉन कहते हैं। प्रेरक क्यों कहते हैं, लैक्टोज की प्रेजेंस के द्वारा ये जीन्स एक्टिवेटेड होती है, प्रेरित होती है, इसलिए नाम रखा है इंड्यूसिबल ऑपेरॉन। विच डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लैक्टेज,
हमने क्या रखा, लैक्टोज की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते रहेंगे तो ये बीटा गैलेक्टोसाइडाइज का सिंथेसिस फास्ट होगा। इट शट डाउन व्हेन द लैक्टोज कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज, अंडरस्टूड बात है, लैक्टोज होगा तो लैकोपेरोन काम करेगा, और अगर नहीं होगा तो लैकोपेरोन है वो एंजाइम का सिंथेसिस नहीं करेगा। 11 नंबर को एक्सप्लेन इन वन और द टू लाइंस द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग, प्रोमोटर का काम क्या है, बता रहे हैं प्रोमोट करना क्या, पढ़िए, इट इज द प्लेस ऑन डीएनए, ये डीएनए के ऊपर वो प्लेस है, वो स्थान है, कहां पे, नियर ऑपरेटर, ऑपरेटर के पास में, नीचे आप डायग्राम में देखिए ये ऑपरेटर है रेड कलर का बना, इससे पहले ये वाला जहां कर्सर दिखाई दे रही है प्रोमोटर है, ऑपरेटर के पास में और कहां पर है डीएनए में, तो ये वो डीएनए में स्थान है जो ऑपरेटर के पास में होता है, और यहां पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ता है, आप फिगर में देख पा रहे हैं आरएनए पॉलीमरेज ये येलो कलर से यहां जुड़ गया, जिससे ट्रांसक्रिप्शन को प्रारंभ किया जाता है, इसलिए प्रोमोटर है। टीआरएनए क्या है, इसको एडेप्टर मॉलिक्यूल कहते हैं, ये एमिनो एसिड का ट्रांसफर करता है। एक्सोन क्या होता है, इट इज द पार्ट ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, अब पहले समझिए प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट क्या होता है, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट वो एमआरएनए जो न्यूली सिंथेसाइज्ड है डीएनए से, जो नया जो आरएनए बनता है उसको हम बोलते हैं प्राथमिक ट्रांसक्रिप्ट बोलते हैं, प्राथमिक अनुलेखक कहते हैं। इसमें कुछ अनावश्यक पार्ट भी होते हैं, उन अनावश्यक जो पार्ट हैं जो काम के नहीं है, जिसकी परिपक्व आरएनए में आवश्यकता नहीं है, उसको हम एक्सोन कहते हैं। तो आप ये डायग्राम में देख पा रहे हैं ये एक्सोन क्या है, इंट्रॉन वो पार्ट है जो कि यूजफुल है, और एक्सोन वो पार्ट है जो यूजफुल नहीं है। यूजफुल नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, ट्रांसलेशन के लिए यूजफुल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाई इज द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कॉल्ड ए मेगा प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को मेगा करने का रीजन क्या है, आप देखिए इसमें कि 3×10^9 बेस पेयर ऑफ द जीनोम वाज सीक्वेंस्ड, ह्यूमन बीइंग के सारे जीनोम की आपने सीक्वेंसिंग कर दी है, इतना टाइम लगा और कितना खर्च लगा है, $9 बिलियन का रुपया खर्च लग गए हैं, और इतना ज्यादा डेटा हमें मिल गया है, अगर उसको वो एक बुक में लिख देना तो 3300 बुक्स भर जाती है इस सारे डेटा को लेने के लिए, और बुक भी कौन सी, ऐसी बुक जिसमें ईच बुक कंटेन्स 1000 पेजेस, और ईच पेज है कंटेन्स 1000 लेटर, इतनी बड़ी इसकी डिटेलिंग है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको मेगा प्रोजेक्ट बोलते हैं। 30 नंबर, व्हाट इज द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसकी तो हमने वीडियो बहुत अच्छी बना रखी है, आप इसको देखिएगा, किसी भी व्यक्ति विशेष की पहचान करनी हो तो जिस टेक्निक को काम में लेते हैं हम उसे डीएनए फिंगरप्रिंट बोलते हैं। इट इज ए टेक्निक ऑफ द मॉलिकुलर आइडेंटिफिकेशन, आणविक रूप से किसी जंतु या पादप की पहचान करनी होती है तो यह तकनीक काम आती है। अब यह पूछा जाता है, इट आइडेंटिफाइड टू लिविंग्स By the comparing their VNTR. अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बनते हैं नीट के हिसाब से, कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम किस चीज को आइडेंटिफाई करते हैं, हम कहेंगे VNTR की करते हैं। अगेन फिर देखिए शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द मीन ऑफ द VNTR, तो हम कह सकते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, इसको VNTR बोलते हैं, है ना। ये पूछते VNTR के बारे में बताएं, तो हमने VNTR इज ए क्लास ऑफ सैटेलाइट डीएनए, ये क्या है सैटेलाइट डीएनए, ठीक है ना, विच रेफर टू ए मिनी सैटेलाइट कहलाते हैं। साइज कितना होता है, तो हम कह रहे हैं साइज ऑफ द VNTR वेरीज फ्रॉम द 0.1 to 20 किलो बेस पेयर। डीएनए प्रोब दैट शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इज कॉल्ड द VNTR, साइंटिफिकली परिभाषा आएगी VNTR क्या होता है, हमने कहा ऐसा डीएनए का प्रोब है जिसमें हाई डिग्री का पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है, बहुरूपता पाई जाती है, रेडियो लेबल्ड होते हैं। इसका यूज क्या है, हमने कहा टू सॉल्व द पैटर्निटी, अगर एक ऐसा बच्चा है जिसका पता नहीं चल रहा है माँ बाप कौन है और आपस में विवाद चल रहा है, तो हम उस बच्चे के और माता पिता के VNTR की पहचान करेंगे, उसे हमें पता चल जाएगा इसके माता पिता कौन है, यानी कि क्या टू सॉल्व द पैटर्निटी, पैटर्निटी मतलब होता है पैतृकता की पहचान करना, टू स्पेसिफाई रेशियल ग्रुप, कोई व्यक्ति किस कौन सी नस्ल का है उसकी पहचान कर सकते हैं, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन कैसे हुआ है यानी जैविक रूप से उद्विकास कैसे हुआ वो हम पता कर सकते हैं, और क्रिमिनल क्रेसेस को भी सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ब्रीफली डिस्क्राइब द फॉलोइंग, इसके आपको ब्रीफली डिस्क्राइब करना, आपको यहां पर मैं केवल परिभाषाएं बता रहा हूं क्योंकि नोट्स हैं वो ऑलरेडी अपनी वीडियो में अपलोड कर चुके हैं, इसकी डिटेल के बारे में वीडियो भी अपलोडेड है, नोट्स भी अपलोडेड है, तो यहां हम केवल परिभाषाओं की बात कर रहे हैं, डेफिनेशन की क्या, कि सिंथेसिस ऑफ आरएनए ऑन डीएनए टेम्पलेट ट्रांसक्रिप्शन, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, जेनेटिक मटेरियल है ना, ये देखिए जेनेटिक मटेरियल इज फाउंड इन मोर देन वन, देखिए नाम खुद बताया पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली का मतलब होता है अधिक, और मॉर्फिज्म मॉर्फ का मतलब होता है आकारिकी संरचना स्ट्रक्चर,
तो हमने कहा वो जेनेटिक मटेरियल जो एक से ज्यादा रूप में पाया जाता है उसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। क्या रखा है, एग्जांपल दे रखा है। ट्रांसलेशन क्या है, अनुलेखन बोलते हैं इसको, सॉरी अनुवादन बोलते हैं ट्रांसलेशन को, अनुवादन। तो प्रोटीन सिंथेसिस करना उसको होता है अनुवादन। और बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या है, विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम क्या करेंगे, विद द स्टोरेज ऑफ ह्यूज जेनेटिक इंफॉर्मेशन डेटाबेस मॉडलिंग, यानी कि बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन देता है उसको हम बोलते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स कहता है। कहने की बात है, जितने भी जो क्वेश्चन आंसर है एनसीईआरटी के जो मैंने सोल्यूशन किए हैं, ये केवल और केवल सोल्यूशन नहीं है, इसके अंदर से बहुत सारे सॉल्व क्वेश्चन भी निकलेंगे। तो आप इसको बारीकी से पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, रिपीटेशन करेंगे, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और साथ साथ में एग्जाम के पर्पज से डिस्क्रिप्टिव एग्जाम क्वेश्चंस है उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट जो वीडियो आपके पास में आएगी उसमें नीट के जो बैक ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनके सॉल्यूशंस आएंगे। जब आप इसको पढ़ें उसके बाद में बैक ईयर के सॉल्यूशंस को देखें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं फिर कहता हूँ, जब कभी भी आपको प्रॉब्लम आए इनमें किसी क्वेश्चन की डिटेल के लिए, तो इनके जो नोट्स हैं वो हमने गूगल ड्राइव पर लिंक दे रखा है, पीडीएफ से आप डाउनलोड कर लेंगे, और समझना है तो हमारी वीडियो देख लेंगे। जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई तो वीडियो देखें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, रेप्लिकेशन में प्रॉब्लम आई क्वेश्चन सॉल्व करने में तो रेप्लिकेशन की वीडियो देख लेंगे। तो कन्फर्म है कि फिर आपको किसी तरह की समस्या नहीं आएगी और आपका रिजल्ट है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। थैंक यू।